हाँ तो भाई, क्या हाल चाल? बढ़िया। हाँ तो देखो, आज की वीडियो में क्या बात करने वाले हैं, कोई एडुकेशनल वीडियो नहीं होने वाली है, ठीक है। तो आज की वीडियो में बात करेंगे बेस्ट यूट्यूब चैनल्स फॉर क्लास 10 टू 21 एंड 22 सेशन, ठीक है। ऐसे यूट्यूब चैनल बताने वाला हूँ कि तुम्हें ना तो MCQ में प्रॉब्लम आएगी, ना तो बोर्ड्स में प्रॉब्लम आएगी, ना कहीं पर प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। तो अब तुम कहोगे भैया आप कभी तो चैनल लें, ठीक है। तो देखो अभी बता रहा हूँ, देखो तुमको पता होगा, तुम अगर मेरी ओल्डेस्ट वीडियो पे जाओगे तो तुम देखोगे कि मैंने ये चैनल बनाया था जनवरी 2021 में और अभी चल रहा है अगस्त, ठीक है। इससे पहले दिसंबर तक मैं भी एक स्टूडेंट ही था, ठीक है, अभी भी एक स्टूडेंट हूँ। तब मैं एक स्टूडेंट था, मैं क्रिएटर नहीं था, ठीक है। मेरा भी बोर्ड था, मैं बहुत ही सारी वीडियोज़ देखता, बहुत ही सारे चैनल देखता, ठीक है। और बेस्ट चैनल बताने वाला हूँ, उनमें से बहुत दिन मैंने छाते बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से रिसर्च किए, उसके बाद मैंने देखा कि हाँ ये चैनल तुम लोग के लिए बेस्ट होंगे, ठीक है। और MCQ के लिए भी बताऊँगा कि अब देखो पैटर्न तो चेंज हो गया, तो तुम कहोगे कि भैया चैनल्स कुछ अलग बताइए, ठीक है। तो देखो सारी चीज़ें बताने वाला हूँ कि तुमको MCQ कहाँ से मिलने वाले हैं, चैनल की नोट्स कहाँ से मिलेंगे, ठीक है, मीन्स बेस्ट नोट्स कहाँ से मिलेंगे चैप्टर के, ठीक है, लेक्चर्स कहाँ से मिलेंगे, सारी चीज़ें तुमको इस वीडियो में पता चलने वाली हैं, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबाना ना भूलना, ठीक है। तो देखो सबसे पहले बताता हूँ कि दिसंबर तक मैंने भी बहुत सारी वीडियोज़ देखी, बहुत सारे चैनल्स देखे। फिर मैंने असल में बनाया था दिसंबर में एक अपना टाइम टेबल, मैं सोचा लाओ उस पर डाल के देखता हूँ, अपना चैनल बनाता हूँ उस पर डाल के देखता हूँ। तो तुम लोग का रिस्पॉन्स भी अच्छा आया था, ठीक है, वीडियो डालते ही 200-300 व्यूज़ आ गए थे, इनके प्यार की वजह से मैं मोटिवेट हुआ और आज मैंने ये चैनल बनाया है तुम लोग के लिए स्पेशली फॉर क्लास 9, 10 एंड 11, ठीक है। बात करते हैं बेस्ट यूट्यूब चैनल फॉर क्लास 10, 21 एंड 22, ठीक है। तो हम सब्जेक्ट वाइज बात करेंगे कि सब्जेक्ट वाइज कौन से चैनल्स तुम्हारे लिए बढ़िया रहेंगे, ठीक है। तो देखो अगर हम बात करते हैं सोशल की, ठीक है, तो सोशल में तुम देखोगे एडुमंट्रा, ठीक है। अब एडुमंट्रा की मैं जो न्यू, देखो तुमको वहाँ पे दो वीडियोस मिलेंगी, एक होगी जो न्यू होगी मतलब थोड़े महीने पुरानी होंगी और एक होगी जो एक साल पुरानी होगी, ठीक है। तो तुमको वो वाली वीडियो देखनी है जिसमें उन्होंने स्मार्ट बोर्ड का यूज़ नहीं किया, मीन्स जो पुरानी वीडियो जो व्हाइट बोर्ड पर पढ़ा है, ठीक है। भले तुमको अगर स्मार्ट बोर्ड वाली लुक अच्छा लगेगा, लेकिन जो कंटेंट वहाँ पे दिया हुआ है पुराने वाले में, ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है, बहुत ही क्लियरली। एक ही बार मैंने वीडियो देखी थी राइज ऑफ नेसिज्म इन यूरोप की, ठीक है, क्रिस्टल क्लियर हो गया था पूरा का पूरा चैप्टर, ठीक है। तो अगर तुम ओल्ड वाली वीडियो रखोगे जो कि व्हाइट बोर्ड वाली है, वो बहुत ही बेस्ट रहेगी तुम्हारे लिए, ठीक है। तो एडुमंट्रा की अगर तुमको सोशल पढ़ना है तो तुम ओल्ड वीडियोज़ देखना, न्यू वीडियोज़ मत देखना, ठीक है। और अगर तुमको नहीं समझ आया तो तुम न्यू वीडियोज़ पर जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ओल्ड वीडियोस थोड़ी सी शॉर्ट भी हैं और उसमें भी पूरा कवर कर दिया गया है, ठीक है। न्यू वीडियोस थोड़ी लॉन्ग है लेकिन उसमें भी पूरा कवर है, ठीक है। तो मैं रिकमेंड करूँगा ओल्ड, अगर तुमको ओल्ड नहीं समझ आ रही है तो तुम न्यू पे डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा ओल्ड। अब बात आती है दूसरा, अगर हम सोशल में देखें तो तुम अठव पुरानी भैया जो हैं उनके चैनल पर जा सकते हो, वहाँ पर भी तुमको अच्छी अच्छी वीडियोज़ मिल जाती हैं, ठीक है। लेस टाइम में तुमको कॉन्टेंट भी अच्छा मिलता है, ठीक है, और बहुत ही मतलब उनका पढ़ाने का तरीका भी बहुत ही बढ़िया है, ठीक है। एनिमेटेड वीडियोस रहती हैं, वो तुम जाके देख सकते हो। बात आती है थर्ड चैनल की जो कि है सिमरन सहानी दी, ठीक है, उनका भी चैनल पे जाओगे तो सोशल के लिए वो बेस्ट, मैं तुमको बता रहा हूँ, ठीक है। सोशल के लिए तुमको बेस्ट मिलेगा सिमरन सहानी, ठीक है, ये चैनल जाके देख सकते हो, बहुत ही बेस्ट है। तो मैंने यहाँ पे तुमको तीन चैनल बताया, एक है एडुमंट्रा, एक है अडा पुरानी और एक है सिमरन सहानी, ठीक है। बात आती है चौथे चैनल की, देखो चार हैं, ठीक है, इसमें तुम कहीं पर भी जा सकते हो। बात आती है चौथे चैनल की जो कि है टॉपर, हाँ टॉपर एक ऐप है और एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है, ठीक है। जैसे कि तुम बायजूस देखे होगे, ठीक है, वेदांतु देखोगे, वैसे ही टॉपर है। टॉपर पर अगर तुम सोशल पढ़ना चाहते हो, बहुत ही बेस्ट तरीके में उन्होंने पढ़ाया, ठीक है, बहुत ही बेस्ट तरीका है, ठीक है। मैंने भी वहाँ से वीडियो देखी है, वहाँ से भी मैंने पढ़ा है, ठीक है, बेस्ट है। अब बात आती है हमारे साइंस की, ठीक है। तो साइंस में तुम अगर बायोलॉजी और केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हो तो तुम ग्रीन बोर्ड जा सकते देख सकते हो, ठीक है। बायोलॉजी में अगर तुम ग्रीन बोर्ड का देखोगे और केमिस्ट्री में ग्रीन बोर्ड का देखोगे तो तुमको पहले ही टाइम में अगर नहीं आया तो दूसरी टाइम में एकदम पक्का क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, एकदम बहुत अच्छी तरीके से तुमको समझ आ जाएगा पूरा का पूरा चैप्टर, ठीक है। मैंने भी पढ़ा है बायो का, मुझे तो एक ही बार में उन्होंने समझाया था, ठीक है, एक बार वीडियो देखी पूरा चैप्टर क्लियर एकदम क्लियर हो गया, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर देखा था मैंने लाइफ प्रोसेस, बहुत ही बढ़िया पढ़ाते हैं ग्रीन बोर्ड, और केमिस्ट्री के लिए भी सेम ग्रीन बोर्ड। बात आती है फिजिक्स के लिए, फिजिक्स में तुम एडुमंट्रा भी जा सकते हो जो कि बहुत ही बढ़िया पढ़ाते हैं, ठीक है, एडुमंट्रा में तुम फिजिक्स के लिए जा सकते हो। फिर बात आती है अगर फिजिक्स के लिए हमको और कोई चैनल एडुमंट्रा नहीं पसंद आया तो तुम फिजिक्स वाला पे जा सकते हो, ठीक है, फिजिक्स वाला भी बढ़िया ही पढ़ाते हैं, ठीक है। फिर अगला चैनल देखा जाए तो भाई की पढ़ाई, ठीक है, वो भी बहुत ही बढ़िया पढ़ाते हैं फिजिक्स, ठीक है, भाई की पढ़ाई तुम फिजिक्स के लिए जाके देख सकते हो।
अब बात आती है अखबारों का एक और चैनल है जो कि है वेदांतों पे, अमृत सर जो है वो पढ़ाते हैं, बहुत ही बेस्ट भाई साहब उनका पढ़ाने का तरीका, और उनके पास स्मार्ट बोर्ड इतनी अच्छी तरीके से पढ़ाते हैं, ठीक है, और तुम बोर नहीं होगे उनकी क्लास देख के, बहुत ही बढ़िया पढ़ाते हैं, ठीक है। अब बात आती है केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में भी तुम भाई की पढ़ाई पर जा सकते हो, ठीक है, वो भी एकदम क्लियर पढ़ाते हैं। अब बात आती है तुम्हारी मैथ्स की, तो मैथ्स के लिए अगर तुमको कंसेप्ट चाहिए, फुल चैप्टर चाहिए, तो तुम डियर सर, नो डाउट डियर सर पे चला जाओ, सीधे तुमको बहुत ही सही तरीके से पूरा का पूरा चैप्टर समझ आ जाएगा, ठीक है। हाँ, अब बात आती है ग्रीन बोर्ड की, ठीक है, तो ग्रीन बोर्ड जो है एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस तुमको करवाते हैं कवर, ठीक है। अगर तुम मैथ्स में एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस करना चाहते हो, कोई क्वेश्चन में डाउट हो रहा तो तुम ग्रीन बोर्ड पे सीधे जाओ, वहाँ पे तुमको वीडियो मिल जाएंगी, हर एक क्वेश्चन वहाँ पे आराम से एनसीईआरटी पूरा फुल कवरेज करते हैं। अब मैंने यहाँ पे तीन सब्जेक्ट बताए, लेकिन अब तुम्हें बात करते हैं सोशल की, ठीक है, अब इंग्लिश हिंदी की भी बात करेंगे और बाकी चीज़ों की भी बात करेंगे। बात आती है सोशल की, अगर तुम्हें एमसीक्यू चाहिए, ठीक है, हाँ, और तुम्हें बहुत लेस टाइम में मीन 20-30 मिनट्स में हिस्ट्री के बड़े बड़े चैप्टर्स को कवर करना है, तो तुम मेरे चैनल पर जा सकते हो, ठीक है। मेरे चैनल पर जाओगे तो बहुत ही बढ़िया वीडियोज़ हैं, ठीक है, डाइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप पे भी 1K व्यूज़ आ चुके हैं, ठीक है। मैथ की क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताते हैं सिर्फ 5, उस पर भी 2K व्यूज़ आ चुके हैं, ठीक है, और हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन का फुल चैप्टर जो था साइंस पे, उस पर भी 2.4K व्यूज़ आ चुके हैं, मीन्स वीडियो सक्सेसफुली चल रही हैं तुम लोग के प्यार की वजह से, ठीक है, तो ऐसे ही सपोर्ट करते रहो। तो अगर तुम्हें लेस टाइम में अगर फुल चैप्टर कवर करना है, ठीक है, तो तुम मेरे चैनल पर जा सकते हो, ये मैंने बात की है साइंस की। अब तुम्हें बात आती है सोशल की, तो सोशल की भी मैंने सारी वीडियोस हिस्ट्री सिविक्स ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स फुल चैप्टर वीडियोस लेस देन 20 मिनट्स में वीडियोस बनाई हैं, और पूरा का पूरा चैप्टर कवर किया है, कोई भी चीज़ मिस नहीं की है, ठीक है। बात आती है तुम्हें अब मैथ्स की, ठीक है, तो मैथ्स में मैंने फुल चैप्टर नहीं बताया, लेकिन फुल चैप्टर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि तुम्हारे बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, उसमें मैंने 5-6 क्वेश्चन हर उसमें बताए हैं, हर उसमें वीडियो में बताए, और वही इस साल प्री बोर्ड्स में 2 बार आ चुके हैं, ठीक है, मेरे 2 बार प्री बोर्ड्स हुए, दोनों में वही क्वेश्चन लगभग सेम आए, 5 में से 4-3 क्वेश्चन सेम आए थे। एमसीक्यू मैंने एग्जाम दिया अपने स्कूल में, उसमें से भी सेम वही क्वेश्चन आया, ठीक है, तो जो क्वेश्चन मैंने बताया वो बहुत ही ज़्यादा हाई चांसेस आने के, ठीक है, तो उन्हें पक्का जाके देख लेना। अब बात आती है सोशल की, ठीक है, तो सोशल का भी मैंने बता दिया। अब बात आती है एमसीक्यू की, ठीक है, इस साल तो एमसीक्यू होना है, तो मैंने अभी रिसेंटली इस वीडियो से पहले एक और वीडियो है जो कि ऑनलाइन क्लास की, उससे पहले, ठीक है, थर्ड लेटेस्ट वीडियो जो है वो जाके देखना, 500 व्यूज़ प्लस हो चुके हैं, ठीक है, और उस पर मैंने 2000 प्लस फ्री एमसीक्यू तुम लोग के लिए लॉन्च किया है, उसमें सब है, इंग्लिश का भी है, हिंदी का भी है, मैथ्स का भी है, सोशल का भी है, साइंस का भी है, ठीक है, सबका एमसीक्यू 2000 प्लस एमसीक्यू दिए हैं, और जो कि देखो मैं तुमको 3000 दे सकता था, 4000 दे सकता था, लेकिन मैंने 2000 दिया क्योंकि मैंने उसमें क्वालिटी का ज़्यादा ध्यान रखा है, क्वांटिटी का नहीं रखा है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन है जो कि बहुत ही हाई चांसेस रहते हैं बोर्ड्स में आने की, जो कि एमसीक्यू के आने में बहुत ही ज़्यादा बहुत ज़्यादा चांसेस है तुम्हारे एमसीक्यू आने में, ठीक है, तो तुम जाके देख लेना वो वाली वीडियो, ठीक है, उसमें मैंने 2000 प्लस एमसीक्यू लॉन्च करी है सारे सब्जेक्ट के लिए, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, बायो और सोशल, ठीक है। अब बात आती है इंग्लिश की, तो इंग्लिश के लिए कौन सा चैनल बेस्ट रहेगा, बात आती है इंग्लिश की, तो यहाँ पे तुमको सबसे पहले आ जाता है एक्स्ट्रा क्लास, ठीक है, जो कि मिलियंस ऑफ व्यूज़ में है, ठीक है, हर वीडियो देखोगे तो लगभग मिलियंस ऑफ व्यूज़ में, ठीक है, बहुत ही बढ़िया पढ़ाती हैं इंग्लिश वाली मैम, ठीक है, एक्स्ट्रा क्लास तुम जाके देख सकते हो। दूसरा चैनल अगर हम बात करें तो बहन की पढ़ाई जो है चैनल, ठीक है, वो भी बहुत ही बढ़िया इंग्लिश अगर तुम करना चाहते हो बहुत ही बढ़िया पढ़ाती हैं, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। फिर आती है एडुकेशनल भैया जो कि बहुत ही बढ़िया है, ठीक है, तो अगर हम इसमें रैंक करें तो सबसे पहले हम रैंक करेंगे एडुकेशनल भैया को, उसके बाद हम रैंक करेंगे बहन की पढ़ाई को, उसके बाद हम रैंक करेंगे एक्स्ट्रा क्लास को, ठीक है, ठीक है। देखो एज माई परस्पेक्टिव जो मेरा ओपिनियन है उसके हिसाब से बता दे, बाकी तुम इन तीनों चैनल पे जाना, एनालाइज करना तुमको कहाँ से समझ आ रहा ज़्यादा, तो तुम वो चैनल देख सकते हो। मैंने तुम्हें यहाँ पे बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट चैनल तुमको बताने की कोशिश की है, ठीक है। बात आती है हिंदी की, तो हिंदी का कोई स्पेसिफिक चैनल उतना नहीं है, ठीक है, मैग्नेट ब्रेन्स है, लेकिन उसमें बहुत ही ज़्यादा बड़े बड़े हैं, ठीक है, मतलब अगर तुम्हारे पास टाइम है तो तुम ज़्यादा टाइम है तुम जाके देख सकते हो, ठीक है, लेकिन हिंदी के लिए अभी उतना स्पेसिफिक चैनल कोई नहीं, अगर तुम्हें पता होगा तो तुम कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी कुछ वीडियोस हैं जैसे कि हाँ एक दो चैनल हैं जो कि मैं तुम्हें बता सकता हूँ, जैसे कि कौन टेक्निकल है, ठीक है, उस पर तुम जाके देख सकते हो, नीता दी का चश्मा फुल एनिमेटेड वीडियो रियल लाइफ में वीडियो बनाई गई है, बहुत ही बेस्ट है, ठीक है, वहाँ से तुम देख सकते हो, ठीक है। और तैयारी ऑनलाइन जो उस पर एनिमेटेड वीडियोस मिल जाती हैं क्लास 10 की हिंदी की, ठीक है, तो वो तुम देख सकते हो, ठीक है, तो हिंदी का सर छोड़ो अभी, उसके लिए स्पेसिफिक चैनल नहीं है, हर एक चैप्टर के लिए अलग अलग तुमको चैनल मिल जाएंगे वहाँ पे, ठीक है, तो जो वीडियोस अच्छी लगेगी तुमको ज़्यादा वो जाके तुम देख सकते हो। अब बात आती है मेन स्ट्रैटेजीज़ की, ठीक है, कि स्ट्रैटेजीज़ कहाँ से मिलेंगे, बेस्ट टाइम टेबल कहाँ से मिलेगा, मोटिवेशन कहाँ से मिलेगा, सब कुछ ये एक्स्ट्रा जो चीज़ें हैं वो कहाँ से मिलने वाली हैं। तो पहले नंबर पर चैनल आता है शोभित भैया, ठीक है, शोभित नरवाल, उनके चैनल पर जाना, 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स होने वाले, बेस्ट वीडियोस एकदम प्रीमियम कंटेंट की वीडियोस तुमको फ्री ऑफ कंटेंट में वो दे रहे हैं, ठीक है,
बेस्ट, मैं भी उन्हीं से इंस्पायर हुआ हूँ, ठीक है, और तभी मैंने चैनल खोला है, ठीक है। तो तुम मेरे चैनल पे भी देख सकते हो, बहुत ही सही मोटिवेशन वीडियो, स्ट्रैटेजीज वीडियो सारी पड़ी हुई हैं, जाके तुम देख सकते हो। वन मंथ की स्ट्रैटेजी, ठीक है, और दो महीने में कैसे कंप्लीट करें, एक महीने में कैसे कंप्लीट करें, ठीक है, और ऑनलाइन क्लास की रियलिटी क्या होती है, MCQs कहाँ से लाएं, और टर्म वन के लिए कैसे प्रिपेयर करें, बहुत ही सही स्ट्रैटेजी तुमको मेरे चैनल पर मिल रही होंगी, तुम जाके देख सकते हो, और शोबीर भैया का चैनल देख सकते हो अगर तुम्हें स्ट्रैटेजीज चाहिए। और फिर तीसरे नंबर पर आता है तुम्हारा सिमरन सानी, वो भी बहुत ही बढ़िया स्ट्रैटेजीज बनाती हैं, ठीक है, वो भी तुम जाके देख सकते हो। तो ये थे हमारे बेस्ट YouTube चैनल फॉर क्लास 2021 एंड 2022, और ये 2021 एंड 2022 के लिए नहीं है, ठीक है, ये तुम अब से लेके आगे चल के भी देख सकते हो, भले तुम्हारा MCQ पेपर हो रहा है, भले तुम्हारा बोर्ड्स हो रहा है, ठीक है, सिर्फ पर्टिकुलर ईयर के नहीं है, ये एवरग्रीन है, ठीक है, एवरग्रीन है, तुम जब भी देखना चाहो तब देख लो, तुमको तुम 2030 में देखोगे, 2010 में भी देखोगे, और या तो तुम 2040 में देखोगे, सेम यही चैनल्स मैं तुमको रिकमेंड करूँगा जो कि बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट है। बाद में अगर कोई नया चैनल आता है तो देखेंगे, ठीक है, लेकिन अभी के हिसाब से अभी तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ ये आगे के 10 साल भी तुम अगर यही चैनल देखो बहुत ही क्लियर समझ आएगा तुमको इन चैनल से, ठीक है। और बाकी MCQ के लिए, स्ट्रेटेजीज के लिए, ठीक है, नोट्स के लिए, देखो यहाँ पे तुमको उतने यहाँ पे स्टडी मटेरियल और नोट्स नहीं मिल रहा होगा, ठीक है, लेकिन स्टडी मटेरियल, कॉन्सेप्ट्स, डेफिनेशंस, लेक्चर्स, ठीक है, नोट्स, ये सारी चीज़ें मेरी वेबसाइट पर मिल जाएंगी, तो मेरे चैनल पर जाके देख सकते हो, तुम मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वहाँ पर जाके देख सकते हो, नोट्स, लेक्चर, डेफिनेशन, कॉन्सेप्ट, सारी चीज़ें तुमको मेरी वेबसाइट पर मिल रही होंगी, ठीक है, तो तुम वो जाके देख सकते हो। तो बस यही था आज की वीडियो में, ठीक है, बेस्ट यूट्यूब चैनल फॉर क्लास 10 बता दिया है, उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन दबाना ना भूलना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।